किस दिन आपको मिल सकती है अदालती कामों में सफलता और किस दिन हवन यज्ञ जैसे धार्मिक काम आपको दिला सकता है दुगना शुभ फल। जी पंडित जी, मैं बताना चाहूंगा कि नवमी तिथि की स्वामिनी माता दुर्गा है। नवमी तिथि भी रिक्ता संज्ञक है यद्यपि, लेकिन मार्कंडेय पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा है कि अष्टम्याम नवम्याम चतुर्दश्याम से चेतसा, अष्टमी नवमी और चतुर्दशी शक्ति की उपासना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। इस तिथि में कानूनी मामलों की पहल करना शुभ माना जाता है। अगर किसी प्रकार का कानूनी विवाद है तो उसमें आप पैरवी करने के लिए नवमी तिथि को उपयुक्त मान सकते हैं, लेकिन दसवीं तिथि जो है उसके स्वामी भगवान यम है जो मृत्यु के देवता है। इस तिथि पर सरकारी काम करना या किसी भी तरह के शुभ कार्य करना निःसंदेह अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये यमराज धर्मराज भी तो हैं। इसलिए जो लोग सही उद्देश्य से, ठीक उद्देश्य से समाज के हित में और संसार के हित में, धर्म के हित में कोई कार्य दशमी के दिन करना चाहते हैं, उन्हें प्रभु श्री राम की तरह अपने लक्ष्य में सफलता मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन व्यक्तिगत हितों के लिए, स्वार्थ के लिए और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए यदि दसवीं तिथि को कोई कार्य किया जाए तो ये विनाशकारी भी होता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, एकादशी तिथि के स्वामी विश्वदेव हैं। एकादशी तिथि से व्रत करना जो लोग शुरू करते हैं उनकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। लेकिन इसके साथ एक बात जरूर आपको बताना चाहूंगा, यदि आप महिला हैं और उत्साह में आकर के आप एकादशी व्रत कर रहे हैं तो ये शास्त्र सम्मत बात नहीं है। आप एकादशी का व्रत तभी कर सकती हैं जब आपके पति ने आपको एकादशी व्रत करने की आज्ञा दी हो, नहीं तो एकादशी का व्रत करने से महिलाओं के पति की जो उम्र है वो छोटी हो जाती है। इसलिए बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा कि एकादशी का व्रत आप तभी करें जब आपके पति एकादशी व्रत करने की आपको आज्ञा दे। हाँ, द्वादशी तिथि के भगवान श्री हरि विष्णु स्वामी हैं। इस तिथि में हवन, धार्मिक कार्य और किसी प्रकार के परोपकार के कार्य करना शुभकारी माने जाते हैं। द्वादशी तिथि में आप जो भी शुभ कार्य करना चाहते हैं आंख बंद करके उस शुभ कार्य को आप करें, निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। इसके साथ साथ मांगलिक कार्य भी द्वादशी तिथि में करना शुभकारी होता है। द्वादशी तिथि के दिन गृह प्रवेश करना और यात्रा का त्याग करना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन कहीं जाने का कार्यक्रम आप ना बनाएं और ना ही गृह प्रवेश करें। इन दो कामों के लिए द्वादशी तिथि अच्छी नहीं मानी जाती है। तो इस तरह से इन विषयों को जान करके यदि आप अपने जीवन में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो जीवन सहज हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो फिर किस दिन नहीं करना चाहिए गृह प्रवेश और किस दिन नहीं करनी चाहिए आपको लंबी यात्रा, ये भी आपको बताएंगे पंडित जी थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कैसा रहने वाला है तुला राशि वालों का आज का दिन और क्या है तनाव दूर करने का अचूक उपाय। जी पंडित जी, आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जिसका परिणाम ये होगा कि आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज समाज में आपका मान सम्मान निसंदेह रूप से बढ़ेगा और यदि शासन सत्ता में आपका कोई काम रुका हुआ है तो उसे भी पूरा होने में अब देर नहीं लगेगी। आज आपके बच्चों की भी उन्नति होगी। आज आपको चाहिए कि आपके जीवन से तनाव कोसों कोस दूर हो जाए, इसके लिए आप नवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का एक माला जप अवश्य कर लें या सायंकाल को कर लीजिएगा, निश्चित रूप से इससे आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है अगली राशि यानी कि वृश्चिक राशि की, कैसा रहेगा इनका आज का दिन और तनाव को दूर करने के क्या हो सकते हैं उपाय। जी पंडित जी बताएं। आज वृश्चिक राशि के जो जातक हैं इनके सरकारी रुके हुए कामकाज थोड़े से प्रयास में सफल होंगे। स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है क्योंकि आपके राशि से 12वें भाव में इस समय चार चार ग्रहों की स्थिति है जो आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती है।
बच्चों से जुड़ी हुई जो भी आपकी समस्याएं हैं वो जरूर खत्म होंगी। और आज अगर कोई आप यात्रा कर रहे हैं और उसका उद्देश्य लाभ प्राप्त करना है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपको तनाव न हो इसके लिए आप ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार जप चंद्रमा को याद करते हुए आज आप जरूर कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जान लेते हैं धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, और साथ ही साथ अगर उनको तनाव है तो उसको दूर करने के क्या कर सकते हैं उपाय। जी पंडित जी, आज धनु राशि के जातकों की सेहत अच्छी रहेगी। अपने आय व्यय का संतुलन आज आपको बनाकर रखना चाहिए, सोच समझ करके खर्चा करें। आज थोड़ा सा भी यदि आप दिमाग से काम लेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति में आज चमत्कारिक रूप से सुधार होने की पूरी संभावना है। माता का सुख और सहयोग भी प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो फिर महीने की त्रयोदशी और चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन कौन सा काम दिला सकता है आपको सफलता का वरदान, और कौन सा काम बिगाड़ सकता है आपके ग्रहों की चाल, ये आपको बता रहे हैं पंडित जी। जी पंडित जी बताएं। देखिए, त्रयोदशी तिथि के स्वामी कामदेव हैं। त्रयोदशी तिथि में सरकारी और संगीत के क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई काम यदि करते हैं तो उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। त्रयोदशी तिथि में यात्रा, गृह प्रवेश और नए गहने, ये तीन काम नहीं करने चाहिए। चतुर्दशी तिथि के स्वामी भगवान शिव हैं, देवाधिदेव महादेव हैं। इस तिथि को साधना करना, उपासना करना और किसी भी दोष का निवारण करना, ये शास्त्रों में उत्तम माना गया है। चतुर्दशी तिथि में लंबी यात्रा कदापि नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले भी आपको कई बार मैं बता चुका हूं, चौथ चतुर्दश नवमी रिक्ता, ये रिक्ता तिथि है। रिक्ता का मतलब होता है खाली, रिक्ता का मतलब होता है खाली, रिक्त माने होता है खाली, और रिक्ता का मतलब है खाली। ये तिथि एक तरह से यात्रा करने पर कोई भी सुफल नहीं देती है। इसी क्रम में पूर्णिमा तिथि, जिसकी संज्ञा पूर्णा तिथि की है, पूर्णिमा तिथि के देवता चंद्रदेव हैं। यह तिथि तपस्या के लिए, आत्मसंयम के लिए, साधना के लिए बड़ी ही शुभकारी मानी जाती है। साधना के लिए तो यह तिथि एक तरह से वरदान है। जो लोग पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हैं और अपने घर में प्रसाद और तुलसी लोगों में वितरित करते हैं, आप विश्वास करिए, चाहे जितनी बड़ी समस्या में फंसे हों, उसका समाधान निश्चित रूप से मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो पूर्णिमा तिथि में शुभ कार्य किया जा सकता है। लेकिन अब मैं अमावस्या तिथि के बारे में बताना चाहूंगा। अमावस्या तिथि के स्वामी पितर हैं। पितर का तात्पर्य यह है कि आपके हमारे पितर पूर्वज अमावस्या तिथि में पितरों की शांति के लिए श्राद्ध करने का शास्त्रों में उपाय कहा गया है। अमावस्या के दिन जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, पितरों की प्रसन्नता के लिए, उनके उत्तम गति के लिए जो लोग ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, वस्त्रदान एवं अन्नदान करते हैं, गया में, हरिद्वार में, कुरुक्षेत्र में, पुष्कर में, काशी में, प्रयाग में जो लोग अपने पूर्वजों को पिंडदान करते हैं, निश्चित रूप से वो पितर दोष से मुक्त होते हैं और पितरों के आशीर्वाद के फलस्वरूप उनका जीवन चमक जाता है। अमावस्या तिथि के दिन किसी प्रकार का पितरों के अलावा कोई दूसरा शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस दिन चंद्रबल पूर्ण रूपेण क्षीण रहता है, इसलिए अमावस्या के दिन कोई दूसरा काम अगर आप करते हैं तो उसका परिणाम शून्य आएगा, इसलिए इस बात का ध्यान जरूर रखें। अमावस्या में सिर्फ एक तिथि दिवाली ऐसी है जिस दिन शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि आप लक्ष्मी गणेश की उपासना भी कर सकते हैं और इस तिथि में आप कोई शुभ कार्य भी शुरू कर सकते हैं। और चलिए अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली की।
और आज के हमारे कुंडली कॉलर है बेंगलुरु के रहने वाले शक्ति सिंह। पंडित जी क्या कहती है इनकी कुंडली? शक्ति सिंह का जन्म 8 अक्टूबर 1987 को 11:55 पर दोपहर में उन्नाव जिले में हुआ है। इनकी जन्म कुंडली धनु लग्न की है। इनके जन्म कुंडली का जो स्वामी ग्रह है बृहस्पति, वो चंद्रमा के साथ गजकेसरी योग बनाता हुआ विद्या स्थान में पांचवें भाव में बैठा हुआ है। भाग्य का ग्रह सूर्य दशम भाव में। स्थिति इनके कुंडली की बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी इनके सूर्य में राहु का अंतर चल रहा है, जो इनके माता पिता के स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही खराब समय है, और नौकरी के लिए भी बहुत अच्छा समय नहीं माना जाएगा। अभी आपके विवाह में विलंब की स्थिति बनी हुई है, लेकिन मार्च महीने में आपका विवाह तय हो जाएगा और शीघ्र ही आपका विवाह भी होगा। जहां तक विदेश जाने का प्रश्न है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जुलाई 2014 के बाद विदेश जाने का योग बन रहा है, आप प्रयास कीजिए। मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, और साथ ही साथ तनाव को दूर करने के क्या हो सकते हैं अचूक उपाय? जी पंडित जी, आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य निःसंदेह अच्छा रहेगा। मित्रों का, भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा। आज पूजा पाठ और धर्म कर्म में आप विशेष रूप से उत्साहित होकर के मन लगाएंगे। आज आपको कहीं से आपका रुका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है। थोड़े प्रयास में ये सफलता आपको ज्यादा मिलेगी। आज आपको चाहिए कि भगवान शनि देव का ध्यान करते हुए ओम संग सनश्चराय नमः इस मंत्र का जप एक माला अवश्य करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का राशिफल, और साथ ही साथ तनाव को दूर करने के क्या कर सकते हैं आप उपाय? जी पंडित जी, आज कुंभ राशि के जो जातक हैं, इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहने के कारण आपका मन काफी उत्साहित रहेगा। हर कार्य को आज आप पूरे उत्साह के साथ करने का प्रयास करेंगे। आज आपके घर के खर्चे बढ़े रहेंगे, लेकिन ये एक आपके लिए शुभ समाचार है कि आपकी जिम्मेदारियां भी आज काफी हद तक पूरी होंगी। आज आपके बच्चों की उन्नति होगी, बच्चों से जुड़े हुए शुभ समाचार आपको आनंद देंगे, और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यदि आप राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय हैं, तो आज का दिन आपके लिए यादगार होगा। ओम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का आज आपको जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है आखिरी राशि यानी कि मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, और साथ ही साथ अगर आपको तनाव है तो उसको दूर करने के क्या कर सकते हैं अचूक उपाय बता रहे हैं पंडित जी। जी पंडित जी, आज मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कामकाज में आपके थोड़े से खलल पड़ने की संभावना है, रुकावट आने की संभावना है, इसलिए आज अपनी गोपनीयता आप बना करके रखें। कहीं से आपको शुभ समाचार की भी प्राप्ति होगी। आज आपका पराक्रम और आत्मविश्वास निश्चित रूप से अच्छा होगा। विपरीत परिस्थितियों में भी आज आपका धैर्य आपके साथ रहेगा। आज आपको चाहिए भगवान भोलेनाथ की आप उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। जी, आप अपना नाम बता के सवाल कर सकती हैं। प्रियंका सर मैडम जी, क्या जानना चाहती हैं आप? मैं दो तीन सवाल है मैडम, थोड़ा पंडित जी से जानना चाहती हूँ कि। जी पूछे। मेरे घर में पंडित जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, आप कितने साल की हैं? जी मैं 31 साल की हूँ सर। जी, और मैं एक तो मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे घर में बरकत नहीं होती है, दूसरा जो मैं कब अपने मकान अपने अपना घर कब तक होगा सर, और तीसरा जो अपन दो बच्चे हैं मेरे, एक बेटी एक लड़का एक लड़की, लड़की का जन्म है 25 नवंबर 2006, बेटा का जन्म है 14 जनवरी 2008। इस दोनों का मतलब पढ़ाई में कैसा रहेगा और मेरे पति का भविष्य कैसा रहेगा सर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियंका जी, आपने जो प्रश्न किया है बरकत के लिए, तो आपका भाग्य शुक्र है, लग्नेश बुध है, बुध शुक्र की परस्पर तृतीय एकादश दृष्टि इस बात का संकेत करती है कि आपका भाग्योदय 35 साल की उम्र में होगा, और अभी 4 साल लगेगा आपकी बरकत में पूर्ण रूपेण आपके भाग्योदय में।
बेटी बेटे का भविष्य आपके अच्छा रहेगा, अभी वो बहुत छोटे हैं, उनकी चिंता आप ना करें और आपके पति का भी भाग्य ठीक है। तो पंडित जी, इतनी सारी जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।